नमस्कार किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले आखिर आपको कौन सा क्लच लेना चाहिए। सिंगल क्लच ट्रैक्टर ले, डुअल क्लच ले या फिर डबल क्लच ट्रैक्टर ले, तीनों में क्या क्या फ़र्क है और कौन सा क्लच खेती के कार्य के लिए बढ़िया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त राहुल जांगिड़, स्वागत है आपका एमपी ट्रैक्टर जानकारी यूट्यूब चैनल पर। पहले बात करते हैं सिंगल क्लच के बारे में। सिंगल क्लच की बात करें जो कि सिंगल प्लेट के साथ आता है, यानी जो आपका क्लच लीवर होता है उसे एक बार दबाने पर आपका इंजन का गेयर बॉक्स और आपका पीटीओ दोनों ही कंट्रोल हो जाता है एक ही बार प्रेस करने पर। इसके काम के उपयोग की बात करें, अधिकतर आपका सीडिल कल्टीवेटर इनका काम पड़ता है, तो आप सिंगल क्लच ट्रैक्टर ले सकते हैं। अब बात करते हैं डबल क्लच के बारे में। डबल क्लच की बात करें तो आप जो क्लच प्लेट होती है उसमें आपको डबल दिया जाता है। जब आप क्लच हाफ क्लच दबाते हैं तो उससे आपका इंजन और गेयरबॉक्स से कंट्रोल होता है, जिससे आप गियर आसानी से बदल सकते हैं। पर उसी को अगर आप पूरा दबाते हैं तो आपका पीटीओ कंट्रोल होता है, यानी कि एक क्लच को हाफ दबाने पर आपका ट्रैक्टर कंट्रोल, गेयरबॉक्स से कंट्रोल होता है और फुल दबाने पर आपका पीटीओ कंट्रोल हो जाता है। इस क्लच की बात करें जिसमें आप छोटे मोटे खेती काम से कभी सभी रोटावेटर है या सीडिल है इनके काम के लिए आप डबल क्लच ट्रैक्टर ले सकते हैं। अब बात करते हैं डुअल क्लच के बारे में। डुअल क्लच क्या होता है? तो डुअल क्लच में आपका क्लच लीवर और आपका पीटीओ कंट्रोल का दोनों लीवर अलग अलग दिया जाता है। आपका जो क्लच होता है उससे आपका केवल इंजन और गेयरबॉक्स से कंट्रोल होता है और आपके पीटीओ के साइड में अलग से लीवर दिया जाता है, उससे आपका पीटीओ कंट्रोल होता है। इसकी अगर बात करें तो आप जैसे अधिक आपका पीटीओ का उपयोग होता है, जैसे रोटावेटर है, अधिक आपका भूसा मशीन है या मल्चिंग का काम होता है, हार्वेस्टर में उपयोग करते हैं, उनके लिए आपका डुअल क्लच लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि जिससे बार बार आपको क्लच लीवर को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अलग से क्लच लीवर दिया जाता है जिससे आप ट्रैक्टर का पीटीओ कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई, यही तीनों क्लच में अंतर था। वीडियो को लाइक कीजिए और एमपी ट्रैक्टर जानकारी सब्सक्राइब करें इसी वीडियो देखने के लिए।